क्या आपके मोबाइल में भी आ रहे हैं SSGD की तरफ से ईमेल और मैसेज? ये मैसेज क्यों आ रहे हैं, इसको जानने के लिए रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट में इतनी देरी क्यों, इस सभी को जानने के लिए जो है यह कंटेंट को जो है तैयार किया गया है। बड़ी ही रिसर्च के बाद जो है इस वीडियो को तैयार किया गया है। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को जो है पूरा देखिए, पूरा जो है आपको क्लियर हो जाएगा इसके बारे में एक एक डाउट। तो चलिए चलते हैं उस वीडियो की ओर। जय साथियों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग जो है बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि SSGD का जो है रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा है। तो यदि हम बात करें कि SSGD 2024, तो आप देख पा रहे होंगे कि रिजल्ट में इतनी देरी क्यों है ना, ईमेल मैसेज क्यों आ रहे हैं और कब आएगा रिजल्ट। यदि हम बात करें कितनी देरी क्यों है, तो यदि हम बात करें कि अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, कब से जो है रिजल्ट अटका पड़ा हुआ है, तो यदि इसका बात करें सबसे पहले तो इस मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं। तो मेरे पास जो है काफी बच्चों के जो है काफी लड़कों को जो है मेरे पास मैसेज आया कि सर रिजल्ट जो है अभी तक जो है जारी नहीं हो रहा है, और हमारे मोबाइल में जो है काफी लड़कों के स्टूडेंट के जो है मोबाइल में जो है जीमेल में जो है मैसेज आ रहे हैं, किसी के ईमेल में, किसी के जो है कहीं कहीं से जो है मैसेज देखने को मिल रहे हैं। और यदि मैसेज ये आ क्यों रहे हैं, यदि आ रहे हैं तो हमारे में क्यों नहीं आ रहे हैं, इस तरीके के जो है लड़कों के मन में जो है डाउट है। तो मैं बता दूं कि ये जो मैसेज जो आपको देखने को मिल रहा है ईमेल, तो ये जो है कुछ जो स्टूडेंट होते हैं ऐसे होते हैं जिनने दो दो बार फॉर्म फिल कर दिया है। कुछ ऐसे लड़के हैं जो अलग अलग स्टेट, मतलब कि जो है किसी और स्टेट के, लेकिन जो है वहां कहीं और का मूल निवासी बनवा करके कहीं और से जो है फॉर्म भरवा दिया, मतलब इस तरीके का जो करते हैं, तो उनके लिए जो है ये ईमेल आईडी, मतलब जो अभी SSC जो है अभी छानबीन कर रही है कि कितने स्टूडेंट जो है उसमें श्योर है, मतलब कितने स्टूडेंट जो है वाकई में सही तरीके से जो है उन्हें मेहनत किया है, इस तरीके से अभी जो है वो छानबीन जो है SSC कर रही है। तो उसमें से इसलिए जो है वो जो है ईमेल के द्वारा ये संदेश उनको जो है पहुंचाया जा रहा है कि आपने जो है दो दो जो है, मतलब कि जो आपने दो बार फॉर्म भरा है तो उनके मोबाइल में जो है ये ईमेल गई होगी। तो आप लोग जो है बिल्कुल जो है इससे परेशान ना हो, जिनका फॉर्म बिल्कुल सही है तो उनके में जो है ये ईमेल वगैरह इससे नहीं आ रही है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि यानी SSC जो है अपना काम जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर रहा है। अब सर देरी क्यों हो रही है, तो देरी का कारण जो है कहीं ना कहीं यही है कि जैसे कि वैकेंसी जो है अपने 46,000 के आसपास जो है वैकेंसी बढ़कर के हो चुकी है, तो इसमें जो है अच्छी खासी जो है इसका 8 गुना बात किया तो 3 लाख लोगों को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और काफी लोगों को जो है रोजगार भी मिलेगा। तो सरकार भाई ये चाह रही है, SSC ये चाह रही है कि इसमें कोई भी जो है लड़का यदि शामिल हो रहा है फिजिकल के लिए, तो इसमें कोई भी जो है किसी अलग तरीके से गैर तरीके से इसमें शामिल ना हो, अर्थात कोई कोई तरह का पॉइंट से रह जाता है। आप लोगों को पता होगा एक एक नंबर से जो है यदि किसी स्टेट में कहीं ऊपर चले जाते, एक एक नंबर से स्टूडेंट रह जाते हैं। तो यही सब जो सोच करके जो है विचार कर रही है SSC कि भाई ऐसे लड़कों को जो है बिल्कुल दूर कर दिया जाए जिनने दो दो फॉर्म डाला है या किसी और स्टेट से, तो इस तरीके के जो लड़के हैं तो उनको दूर किया जाए, छटाई जैसा कह सकते हैं कि जो है SSC अपनी छटाई का काम कर रहा है कि लड़कों को जो है अलग अलग जो है छाट रहा है, अलग अलग जो है कि कौन सही है, इस तरीके से जो है वो छाटने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो है इसलिए जो है SSGD के जो है रिजल्ट में अभी तक देरी हो रही है। अब सर रिजल्ट कब आएगा, तो SSC जो है प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रही है, स्टेज वाइज जो है कट ऑफ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैं भी ये मानता हूं, लेकिन SSC अपना काम प्रॉपर तरीके से अब करने स्टार्ट कर दी है और थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा उसको, क्या है स्टेट वाइज जो है कट ऑफ को तैयार करना, इस कट ऑफ में स्टेज में इतनी वैकेंसी, मान सपोज किसी स्टेज में 100 वैकेंसी है तो उसके कितने गुने को जो है बुलाना है फिजिकल के लिए, तो इस तरीके से तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है आपको चाहे में तो, लेकिन थोड़ा सा जो है हम लोग स्टूडेंट भी है तो थोड़ा सा जो है हम लोग भी थोड़ा सा जो है और थोड़ा सा इंतजार करते हैं। वैकेंसी बढ़ी है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा जो है हम लोग और वो कर लेते हैं इंतजार, लेकिन देखिएगा रिजल्ट जो है जल्द जो है आपको देखने को मिलेगा। SSC भी जो है सोच रहा है कि भाई जल्द से जल्द जो है आपको कॉलम को जो है रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाए, तो देखिएगा आप लोग जो है इस वीक तक जो है आपको बिल्कुल रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। और यदि बात की जाए कि सर इसमें हम और क्या कर सकते हैं, तो जिन भी विद्यार्थियों का जो है इसमें नंबर यदि नहीं लग पा रहा है तो वो लोग भी जो है डिमोटिवेट ना हो, आगे जो एग्जाम आ रहा है एक और SSGD का, एक और नई भर्ती आ रही है 2024 वाली, तो उसमें जो है आप लोग बढ़िया से जो है आप लोग तैयारी करिएगा।
और बढ़िया से देखना एक सीट जो है आपकी पक्की हो जाएगी, जिसमें जो है इस बार के सेंसिटिविटी जिनके नंबर कम आए हैं वो जो है इसको और बढ़िया से जो है कर सकते हैं। अपनी क्लास चलती है डेली, तो बढ़िया से जो है आरपीएम मतलब की जो है एसएसजीडी का भी बैच स्टार्ट होने वाला है उसका, लेकिन रिजल्ट आए फिर जो है वो बैच अपना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आने के बाद पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई कि कैसा है। तो एक बार जो है सभी लोग जो है एक बार कमेंट बॉक्स में कर जरूर बताइएगा कि सर हमारे जो है नंबर इतने हैं, तो इससे जो है क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप लोगों का जो है नाम इसमें वगैरह बढ़िया से आ जाएगा। तो बस यही कारण था कि जो रिसर्च के सामने जो है सामने निकला हमारे सामने स्टूडेंट के जो मैसेज आए कि सर हमें मैसेज वगैरह देखने को मिला, तो बस यही था। तो आपको घबराना नहीं है इस प्रकार से, जो है ऐसा नहीं कि उसका सिलेक्शन हो गया इसलिए फोन आया, तो वो जो है वो कारण नहीं है। यदि कारण की देखा जाए तो यही था कि अभी जो है छटाई चल रही है, मतलब कि काम जो है एसएससी प्रॉपर तरीके से काम अपना कर रही है, और देखिएगा आपको जो है जल्द जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा, और फिजिकल की जो है बढ़िया से आप लोग तैयारी करते रहिएगा। तो बस यही इन्फॉर्मेशन मुझे देना था। तो आई होप कि आप लोगों को जो है प्रॉपर तरीके से पूरी जो बातें हैं समझ में आपको आ गई होंगी। तो ज्यादा से ज्यादा जो है आप इस तरीके की भटकाव में न रहें और बढ़िया से जो है आने की तैयारी करते रहिएगा। तो ठीक है, इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।